विशेष रूप से शिव भक्ति के लिए अलौकिक श्रावण मास के अवसर पर बाबा चंद्रमौलेश्वर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में इस बार भक्तों के लिए विशेष ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया था। शोभा यात्रा के बाद भक्तों को रुद्राक्ष वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बाबा चंद्रमौलेश्वर पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल जानने नगर में निकले। भजन गायक सुनील सिहोरे के मधुर आवाज से भक्त थिरकते नजर आए। भक्तों के लिए इस बार विशेष ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया था, जिसमें पालकी देने वाले भक्तों के लिए धोती पहनना अनिवार्य थी। शोभा यात्रा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर किला पारा से निकलकर चंडी मंदिर होते हुए मुख्य मार्ग के रास्ते साकेत धाम मंदिर पहुंची, जहां पर भक्तों को रुद्राक्ष का वितरण किया गया। और ये एक ऐतिहासिक यात्रा डोंगरगांव में संपन्न होने जा रही है और निश्चित रूप से भोले बाबा जैसा नाम है वैसा काम है, सबका भला भोले बाबा करते हैं। बोल बम। यह यात्रा हनुमान मंदिर से निकली है और सभी शिव मंदिर होते हुए साकेत धाम में समाप्त होगी। महाकाल सेवा समिति डोंगरगांव के द्वारा यह आयोजन किया गया है और इस आयोजन में डोंगरगांव नगर के जितने भी मंदिर हैं और शिवालय हैं वहाँ के सभी लोग इस आयोजन में शामिल हैं। यहाँ की नगर की सभी महिलाएं, सभी समाज सेवी संस्थाएं, सभी राजनीतिक दल इस आयोजन में सब शामिल हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।